वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष मनाए जाने की तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश जी मोदक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी जोगिंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौरी चौरा कांड को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के शहीद स्थलों को सुसज्जित किया जाए तथा एक जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 में देश की स्वाधीनता का 75 वर्ष पूरा होने जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाई जाए तथा स्वदेशी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाए और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को देशभक्ति और स्वदेशी के प्रति आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। डिजिटल माध्यम से आज के जनरेशन के भी हो जाए और 3D माध्यम से एनिमेशन माध्यम से हो जाए ताकि सारा माध्यम से सोशल मीडिया में भी रीच कर सकते हैं ताकि ऐसे कोई घटना हुआ उस पर कैसे कैसे सभी लोग मिलकर बचाएं लोगों को जाए 100 सदी का जो याद कराने के लिए 100 ईयर्स का वो भी एक मैसेज आएगा सर। एक छोटी सी सुविधा बन जाए सर, जो भी आते हैं उनका एक तरफ स्मारक के रूप से ले जाएंगे सर, कम से कम माटी भी हम पैक करके दे देंगे उसका अपने महत्व हो सर, वो हम उसी पर काम कर रहे हैं सर। से लेके नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का फोरम कितने लोग का हम संपर्क कर सकते हैं करा करके पूरा एक साल का रूपरेखा बना रहे हैं सर, वो हर वीक में कुछ ना कुछ इवेंट हम चलाते रहेंगे सर, उसको एक पूरा रूपरेखा हम लोग दो पन्ने का बना करके प्रमुख सचिव साहब को भेजे हैं सर, आगामी कराते हुए बाकी उसके अलावा सर जो हमारे रेलवे स्टेशन है सर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी लंबा है सर, यहाँ पर लॉन्गेस्ट सर है और चौरी चौरा रेलवे स्टेशन सर, चौरी चौरा साइड स्मारक और उसके अलावा भी प्रदेश के 5 मुख्य रेलवे स्टेशन है सर, उन पर सर हमें कोई एक फोटो एल्बम या कुछ सर ऐसा करना चाहिए क्योंकि बहुत भारी संख्या में जुर्माना चला है और वैसे ही सर गोरखपुर एयरपोर्ट का कुछ ही नजर आता है कि गोरखपुर में हमें एक काउंटर सर देना चाहिए लोग जो आ जा रहे हैं घटना के बारे में देख रहे हैं सर। जैसे प्रमुख सचिव सर बोल रहे हैं फ्लाइट पर सर यदि डिजिटाइजेशन करा दिया जाए सर उनका संरक्षण भी होगा और सर एक ऑनलाइन पर बहुत सारे लोग उसको आर्काइव को देख पाएंगे जो रिसर्चर सर उसको किया जाए क्योंकि उपयुक्त जमीन हमारी सर वहाँ पर आसपास नहीं है, सबसे उपयुक्त जमीन सही स्मारक के अपोजिट में है और वो करीब सर 4 एकड़ जमीन है लेकिन सर वो लो लाइन है करीब 4 फीट नीचे है, उसमें सर थोड़ा अर्थ होता है तो लैंडस्केपिंग कम पार्किंग बन सकती है और सर वो बहुत अच्छा एक स्वरूप आ जाएगा पूरी जमीन देखिए कुछ बिंदु थे सर जो इसमें किसी विभाग को कोई अन्य सुझाव देना हो। इसमें जो लोग सर जैसा बताया सर 175 लोगों को जो है मृत्यु दंड दिया गया था और 175 लोगों को नहीं दिया गया सर 19 उसमें उनको एक्चुअल मृत्यु दंड दिया और बाकी को ट्रांसपोर्ट कर दिया था हर वही उनके परिवारों को भी खोलना चाहिए सर कहाँ है क्या है सर। एक हमारे योद्धा और सर नामकरण भी यदि किया जाए सर तो वो भी एक सम्मान सम्मान दिया जाना होगा सर। उसकी सूची को तैयार की आप लोगों ने सर टोटल उस समय का जो शहीद का लिस्ट पे भी जो लोग वहाँ शहीद हुए थे वे दो अलग है। हाँ सही है कह रहे सर 26 लोग मौके पे शहीद हो गए सर जो गोली खा के जो 26 लोग सर अंग्रेजी फाइटिंग लोगों को फांसी दी थी एक आपके पास संख्या स्पष्ट हो जाएगी फिर उनके नाम उनके पते उनके आज के कौन कौन से उनके वारिस हैं इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी फिर ठीक है। 100 साल का मतलब ये है कि 5-6 पीढ़ी उनकी अब तक पांचवी छठी पीढ़ी होगी इसलिए उसके बारे में पूरी जानकारी इसको लेने की आवश्यकता है इसको देख लेंगे इसको एक बार तो इसको चेक कर लीजिए। जो आपकी अपनी वेबसाइट है उसमें 4 फरवरी लिखा हुआ है गोरखपुर की वेबसाइट पे सर, लेकिन एक दो जगह कहीं 5 फरवरी भी लिखा हुआ है जिसको एक बार कंफर्म कर लें पूरा 100% अधिकारी है सर।
किताब चोरी जो है रिसर्च करके सभी नाम वारिसों के नाम सही किताब छाप चुके हैं सर, और कुछ हाँ भारत के इतिहास की इतिहास के उस पे जो घटना होगी उस पे तो चोरी चोरा की घटना होगी उसमें छोटे से एक बार देखना चाहिए। चोरी चोरा की घटना बहुत महत्वपूर्ण रही आजादी की लड़ाई के यहाँ पे सर चोरी चोरा एक्सप्रेस है उसमें करवा रहे हैं यहाँ से लेके इलाहाबाद तक तो उसका झांकी के लिए तो बोला गया चोरी चोरा विश्वविद्यालय में फिर की स्थापना होने से परमानेंट सर वो जेल में भी सर हम लोग कर सकते हैं सर रामप्रसाद बिस्मिल जी का ये देखिए रामप्रसाद बिस्मिल को 1929 में फांसी दी गई ये घटना है 1922 की फांसी दी गई थी 1923 में गोली से कितने लोग मौके पे मारे गए थे सर गिरने के हिसाब से 26 लोग हैं सर एक बार इसको पूरा चेक कर लीजिए पूरा देख करके इसको तय करके तब बताएंगे इसके बारे में देखिए इसमें एक तो ये वर्ष है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक पूरे एक वर्ष के लिए हम लोग चोरी चोरा की घटना को केंद्र में रखकर प्रदेश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन के महत्व को लेकर के हर एक जनपद में जाएंगे क्योंकि हर एक जनपद में कुछ ना कुछ कार्यक्रम इससे संबंधित हुए हैं कोई ना कोई घटना से कोई ना कोई जनपद जरूर जुड़ा रहा है इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर कोई ना कोई शहीद स्मारक होगा यह 1857 से लेकर के 1947 के बीच का हो सकता है या फिर देश की आजादी के बाद भी जो विभिन्न देश ने युद्ध लड़े हैं उनसे जुड़े हुए स्मारक होंगे जो किसी न किसी शहीद से जुड़े होंगे इसलिए हर जनपद में चोरी चोरा की घटना को केंद्र में रख करके एक वर्ष के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे साथ साथ देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 2022 में 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक या हो सकता है 2 वर्ष का लोग भारत सरकार आयोजित करे क्या आयोजन होता है इसके बारे में भी भारत सरकार की कोई गाइडलाइन आई नहीं अगर आई होते उस पर एक बार अध्ययन कर लेंगे 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक का भी एक कार्यक्रम इसके साथ ही हमें लेना होगा तो ये कार्यक्रम एक साथ चल लेंगे स्वाधीनता आंदोलन और हमारा जनपद स्वाधीनता आंदोलन या चोरी चोरा की घटना हर एक जनपद में कुछ ना कुछ घटना जरूर घटित हुई होगी कहीं पे कोई फ्रीडम फाइटर होगा कहीं पे कोई घटना घटित हुई होगी कहीं पे लोगों ने किसी रूप में योगदान दिया होगा जहां पे कोई शहीद स्मारक नहीं होगा वहां पे देश के आजादी के बाद के विभिन्न युद्धों में कोई ना कोई सैनिक शहीद जरूर हुआ होगा इसलिए कुछ ना कुछ जरूर होगा हर एक जनपद में तो एक तो उनको चिन्हित करना और फिर
उन स्मारकों की व्यवस्था ठीक ठाक करना, उनकी डेंटिंग पेंटिंग जो करनी है वो ठीक करवा दें, जो शहीद हुए हैं उनके नाम उसमें आ जाने चाहिए, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था करना, उनकी कनेक्टिविटी ठीक करना, ये सारी व्यवस्था हम लोग एक तो वहां पे करें और जनपद स्तर पर इसको लेकर के एक एक कमेटी जनपद स्तर पर भी गठित हो जाए, जो जिले के अंदर इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर जारी करेंगे उन कार्यक्रमों को वहां पर भी हम लागू कर देंगे। कार्यक्रम इतने ज्यादा ना हो कि लोग उबाऊ हो जाए, कम हो लेकिन प्रभावी हो। इसके बारे में एक अभी से कार्य योजना बनाना और कार्य योजनाओं को हम मूर्त रूप देंगे, जिस दिन गवर्नर साहब के साथ बैठक होगी उसको एक उस वहां पे उसका वाचन होगा, लेकिन पहले से तय रहेगा। राज्य स्तर की एक कमेटी वही चोरी चोरा की घटना की शताब्दी वर्ष के लिए होगी, वही कमेटी बाद में जनपद स्तर पर जो हम लोग स्वाधीनता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसके लिए भी वही कमेटी होगी, तो एक साथ वो कमेटी दोनों योजनाओं पे चर्चा कर लेगी। तो राज्य स्तर पर ये कार्यक्रम हम लोग पहले से इसको देखेंगे। आजादी की लड़ाई की हमारी पूरी जो थीम होगी वह स्वदेशी होगी, स्वावलंबन का होगा, स्वच्छता का भी होगा। स्वदेशी इसमें खादी के प्रचार प्रसार का, स्थानीय प्रोडक्ट के बारे में जो हमारा वन जनपद वन उत्पाद का जो अभियान है इसको आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबन के कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, इसमें हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान को भी ले सकते हैं। इसमें हम लोग जो हमारी विभिन्न जनपदों की विशिष्ट उत्पाद है उसको भी ले सकते हैं। इसमें जनपद स्तर पर हर एक जनपद ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जहां पे कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं वहां पे लोगों ने कृषि के क्षेत्र में या बागवानी के क्षेत्र में ही काम किया है। कोई जनपद है जो गुड़ उत्पादन जैविक पद्धति से वहां पर उनके द्वारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में वह उत्पाद दिया जाता है, कहीं काला नमक चावल है, कहीं पे अमरूद है, कहीं केला है, कहीं पे आम है, कुछ ना कुछ तो है हर जनपद में। इसको कैसे हम प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनिक की ओर भी लेके जाए, तो स्वच्छता का है, स्वावलंबन का है, स्वदेशी का है, इसको भी इसके साथ हमें जोड़ना चाहिए, इसका एक पार्ट बनाना चाहिए। जैसे खादी का फैशन शो हो सकता है, खादी को प्रमोट करने का कार्यक्रम हो सकता है, हम गांव में महिलाओं को सोलर चरखे या इलेक्ट्रिक चरखे उपलब्ध करवा सकते हैं, इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं, युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जो उनके रोजगार के लिए भी और स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक इस तर्ज पर ये कार्यक्रम इन तीनों को हमें इसको देना चाहिए। दूसरा, नए स्थानीय कवियों को जो राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत हो और उस प्रकार के कविताओं को बना सकने के और उसको मंच के माध्यम से उसके गायन की के साथ उसको गा सके अच्छे ढंग से, एक प्रतिस्पर्धा एक नया हमें उसके बीच में लोगों को प्रोत्साहित उसके लिए देना होगा। लेकिन अलग अलग घटनाओं पे देखिए, अभी भी आप देखते होंगे कि जितने भी देश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, इन सभी घटनाओं के साथ आप देखेंगे कि जान बूझ करके इनकी तिथियों में विवाद खड़े किए गए, क्योंकि जब तिथि में विवाद होगा तो हम लोग सही घटना का कभी भी आयोजन नहीं, सही घटना पर सही आयोजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए चोरी चोरा के बारे में जब विगत वर्ष ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी तो मैंने उसके बाद देखा कि दो तीन आलेख ऐसे आए थे जिन्होंने चोरी चोरा की घटना को
विवादित बनाने का प्रयास किया था। कोई कहता था कि 4 को होता है, कोई कहता 5 को हुआ है, कोई कहता 20 को हुआ है, कोई कहता 22 फरवरी को हुआ है, अलग अलग चीजें उसमें आ जा रही है। इसलिए पहले से इन चीजों को देखना, कोर्ट के डॉक्यूमेंट को चेक करना, रजिस्टर को चेक कर लेना, और ये केवल चोरी चोरा के साथ ही नहीं होगी, काकोरी की घटना यहाँ घटित हुई है, गोरखपुर में डोहरिया की घटना घटित हुई है, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह को फांसी हुई थी 1858 में, ये 1857 के क्रांतिकारी थे। ऐसे ही अलग अलग जगह कहीं मंगल पांडे को फांसी दी हुई, कहीं पर किसी अन्य क्रांतिकारी को फांसी दी गई, ठाकुर रोशन सिंह को दिया गया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया, अस्माउल्ला खां को दिया गया, राजेंद्र, यानी अन्य तमाम प्रकार के जो है जो क्रांतिकारी रहे उनको अलग अलग जगह गिरफ्तार किया गया, फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में शहीद हुए, उन सभी स्थलों को चिन्हित करना, उनके सुंदरीकरण का प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर तैयार करके उसको स्थानीय स्तर पर उस कार्यक्रम को तैयार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो अभी से उनका नाम नोट करके उनको सम्मानित करने की तैयारी, और नहीं है तो उनके परिवार के कोई सदस्य होंगे उन्हीं सदस्यों को बुला करके उनको सम्मानित करने की कार्यक्रम इसके साथ जुड़ने चाहिए। या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो शहीद स्मारक है या शहीदों के स्वाधीनता आंदोलन जितने भी साहित्य होंगे उसका एक जगह सभी को इकट्ठा करना, उन पुस्तकों को, साहित्य को, जिस भी भाषा में